नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं महादेव एजेंसी में, जो फार्म ट्रैक के नए ट्रैक्टरों की सेल का काम करते हैं। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं फार्म ट्रैक 6055 का पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है। क्लासिक प्रो T20 गेयरबॉक्स में ही आता है। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, क्या क्या फीचर इसके अंदर आए हुए हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। बात करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये 82 किलो का जो है बम्फर दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये बम्फर दिया हुआ है। और ये सामने कोई चीज़ आपको जोड़नी है तो आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं, कंपनी ने ये इसके साथ में लगा के दिया हुआ है। बात करते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आप देख रहे हैं फार्म ट्रैक की बैजिंग दी हुई है। और ये पावर मैक्स सीरीज़ का ये ट्रैक्टर है, पावर मैक्स लिखा हुआ है इस, ये आता है। और ये 6055 जो आप इसमें देख रहे हैं ग्रिल पे बैजिंग दी हुई है, ये 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 60 HP का ये ट्रैक्टर है। बात करते हैं इसके लैंप की, हेड लैंप की। LED हेड लैंप के साथ हेलोजन लाइट दी हुई है, जिससे रात में किसान को कोई भी परेशानी ना आए। बात करते हैं इसके फ्रंट एक्सल की। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, आप देख रहे हैं कितना हैवी एक्सल है और ये एडजस्टेबल है। और ये पावर स्टेयरिंग के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, जिसमें सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग जो है पावर स्टेयरिंग इसमें आता है, जो इसका पंप है। और बात करते हैं इसके साइलेंसर की। साइलेंसर आप देख रहे हैं, पहले जो साइलेंसर आता था वो बॉडी के अंदर आता था, लेकिन अब जो साइलेंसर आ रहा है वो बॉडी के बाहर आ रहा है। ये सिंगल पीस बोनट में ये ट्रैक्टर आता है, आगे से लेके पीछे तक यहाँ तक ये सिंगल पीस बोनट है, मेटेलिक बॉडी में जो है ये ट्रैक्टर आता है। अब बात करते हैं फिल्टर की। ये इंजन ऑयल का फिल्टर है, ये आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक का फिल्टर है। और ये 3512 cc का इसके अंदर इंजन दिया हुआ है कंपनी ने। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक इसका 55 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और ये आप देख रहे हैं ढक्कन, ये चाबी के साथ खुलता है और यहाँ से आप इसमें तेल डलवा सकते हैं। 55 लीटर का जो है ये इसका फ्यूल टैंक है। अब बात करते हैं ये जो दिया हुआ है ग्लास दिया हुआ है, ये किस लिए दिया हुआ है। एक तो ये जो हैंडल दिया हुआ है, किसान आसानी से इस पे पैर रख के इसको पकड़ के चढ़ सकता है, जिससे ही किसान गिरे ना। और ये जो ग्लास दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि इंजन की जो गर्म हवा जब ट्रैक्टर खेत में काम करता है तो किसान के पैरों में लगती है, जिससे कि किसान को ट्रैक्टर चलाने में परेशानी आती है। तो कंपनी ने ये जो शीशा दिया हुआ, जिससे कि इंजन की जो गर्म हवा वो पीछे ना आए। अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। पीछे के जो टायर हैं गुडियर कंपनी के टायर हैं, 16x28 के इसके अंदर टायर हैं। और कितने हैवी मुर्गाड़ आप देख रहे हैं, हैवी मुर्गाड़। और साथ में ग्रिल दी हुई है कि इस पर कोई बैठे तो गिरे ना। और ये जो हैंडल आप देख रहे हैं, किसान आसानी से इसको पकड़ के जो है ऊपर चढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। 7/50/16 के इसके फ्रंट टायर हैं, गुडियर कंपनी के टायर हैं। अब मैं आपको इसका पंप दिखाता हूँ, बोस कंपनी का इनलाइन पंप है। ये आप देख रहे हैं बोस कंपनी का इनलाइन पंप है। 4 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर आता है, 4 इसके अंदर नोजल हैं, 1, 2, 3 और ये 4 सिलेंडर ये ट्रैक्टर है। इसकी पंप की लाइफ को बढ़ाने के लिए वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, जिससे हमारी टंकी में कई बार पानी हो जाता है या फिर गलती से डल जाए पानी, तो वो इंजन में ना जाए, पंप में ना जाए, जिससे कि हमारी लाइफ जो है ट्रैक्टर की वो उसकी लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, यहाँ से इसको खोल के आप पानी को अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस ग्लासी की। ये सिंगल ग्लासी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। पहले जो ट्रैक्टर आते थे वो डबल ग्लासी में आते थे, अब ये सिंगल ग्लासी में। इसकी खास बात ये है कि ये जो ट्रैक्टर हैं फार्म ट्रैक, ये 500 घंटों का जो है सर्विस टाइम देते हैं। आप 500 घंटों में इनकी सर्विस करवा सकते हैं। 500 घंटे से पहले आपको इसकी सर्विस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जो ट्रैक्टर आते थे उनकी सर्विस 200-250 घंटे पे होती थी। जैसे एक सीज़न पे के बाद ट्रैक्टर सर्विस करवाने के लिए शहर में लेके जाना पड़ता था किसान को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये कंपनी ने सिंगल ग्लासी के अंदर दिया हुआ है, और जिससे जो इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, और 500 घंटों पर आप इसकी सर्विस करवा सकते हैं। और ये T20 गेयर बॉक्स के अंदर आता है। T20 हम आपको बताएँगे T20 क्या है, कहाँ पे इसका गियर है। और क्लासिक प्रो नाम से ये ट्रैक्टर आता है, फार्म ट्रैक 6055 पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें केयर बटन आता है। फार्म ट्रैक का कोई भी ट्रैक्टर आप लोगे तो उसमें केयर बटन आता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है केयर 24x7 डायरेक्ट। ये
इसके अंदर बटन है, आप इस बटन को दबा के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो जिससे कि आपके ट्रैक्टर में कोई परेशानी है तो आप डायरेक्ट जो है कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं बिना परेशानी के। अगर वहाँ से हल होने की होगी तो वो वहाँ से बैठे बैठे करेंगे, अगर नहीं होगी तो कंपनी या कोई बंदा आएगा, वो ट्रैक्टर का कोई भी दिक्कत है तो उसका समाधान करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये केयर बटन है, ये यहाँ पे बटन है, आप इसको दबा के रखेंगे तो ये आवाज़ करेगा। तो आप कोई भी, आपको कोई परेशानी है तो आप इसमें बोल के बता सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं ये ड्राई एयर क्लीनर के अंदर जो है ट्रैक्टर आता है, फ्लीट गार्ड कंपनी का इसके अंदर क्लीनर दिया हुआ है। और ये जो आप इस पे पॉइंट देख रहे हैं, ये जब आपका एयर क्लीनर जो है बिल्कुल चोक हो जाएगा, इसके अंदर रेत वगैरह ज़्यादा आ जाएगी, डस्ट आ जाएगी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा, रेड, और उसका इंडिकेटर आपका क्लस्टर बोर्ड में दिखाई देगा, जिससे कि किसान को पता लग जाएगा कि मेरा जो एयर क्लीनर है वो जाम हो चुका है, मेरे को उसकी सफाई करवानी है, जिससे ट्रैक्टर बिना दबे बिना रुके ट्रैक्टर चलता रहे। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें रेडिएटर डालने के लिए रेडिएटर है, बहुत अच्छा रेडिएटर है, चौड़ी पत्ती में रेडिएटर दिया हुआ है मोटी जाली के अंदर। और कूलेंट डालने के लिए अलग से टंकी दी हुई है, आप ये देख रहे हैं, इसमें कूलेंट डाल सकते हैं आप, इसमें हाई लो का सभी का जो है इसमें लेवल दिया हुआ है। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पावर स्टेयरिंग का जो ऑयल है उसका और जो ट्रैक्टर का ऑयल है उसको अलग करके पावर स्टेयरिंग का अलग से टंकी बना के उसका पंप अलग से दे के, जिससे कि पावर स्टेयरिंग की लाइफ को बढ़ाया जा सके, अलग से कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्यूज बॉक्स है इसका। और ये सिंगल पीस बोनट में ट्रैक्टर आता है, मेटेलिक बॉडी के अंदर ये जो है ट्रैक्टर आता है। आप देख रहे हैं इसमें, इस बोनट को उठाने के लिए दो जैक दिए हुए हैं, जिससे किसान को आसानी रहे उठाने में, और ये गिरे ना, ये अगर आपने ओपन कर दिया तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बैटरी, जो पहले जो इस ट्रैक्टर में आती थी वो आगे आती थी बैटरी, अब कंपनी ने पीछे साइड में जो है बैटरी दे रखी है। आगे बैटरी इसके अंदर जैसे तेजाब वगैरह निकलता था तो हमारे ट्रैक्टर की लाइफ उससे कम होती थी, तो अब कंपनी ने बाहर जो है इसकी बैटरी बॉक्स दिया हुआ है। ये इस तरफ भी आप देख रहे हैं, ये ग्रिल लगी हुई है, ग्लास लगा हुआ है। और जो आप ये देख रहे हैं एलईडी लाइट के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, जिससे इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, कोई भी परेशानी ना हो किसान को। नॉर्मली किसान के ट्रैक्टर में क्या होता है, ये जो लाइटें हैं ये बल्ब वगैरह में आती हैं, नॉर्मल जो अपना बल्ब होता है जिसकी लाइफ कम होती है, लेकिन फार्म ट्रैक ने ये एलईडी लाइट में दिया हुआ है। 60 HP का ये ट्रैक्टर है, कंपनी लिख के देती है 60 HP, ये आप देख रहे हैं 60 HP का ये ट्रैक्टर है। और मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 25 क्विंटल की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। ये आप देख रहे हैं कितनी हैवी आर्म दी हुई है, ये आप देख रहे हैं कितनी हैवी आर्म दी हुई है, 25 क्विंटल आप इससे आसानी से वज़न उठा सकते हैं। और ये कितना हैवी हुक आप देख सकते हैं, कितना हैवी हुक है ये, कितनी मोटी मोटी जो है लोहे की प्लेट लगा के हैवी हुक बनाया हुआ है, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। साथ में टूल बॉक्स दिया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, रात में पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको कोई परेशानी ना हो, ट्रैक्टर दूर से खड़ा दिखाई दे, ये रिफ्लेक्टर हैं। और ये जो होज पाइप देख रहे हैं डबल, ये आप लेज़र लेवलर में या फिर जो है आप ट्राली में कहीं भी यूज कर सकते हैं, सिंपल आपको डालना है निकालना है इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर, कंपनी ने अलग से जो है लीवर दिया हुआ है ट्रैली को उठाने के लिए गिराने के लिए। और पीछे आप देख रहे हैं ये कंपनी ने लाइट दी हुई है, ये लाइट आप देख सकते हैं पीछे, कोई भी इम्प्लीमेंट रात में आप चला रहे हैं तो आसानी से पीछे दिखाई दे। और पीछे की जो आप देख रहे हैं ये LED लाइट है। अब मैं आपको ट्रैक्टर को ऊपर से दिखाऊँगा, करो स्टार्ट, अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रैक्टर को स्टार्ट करके, इसकी आवाज़ आप देख सकते हैं कैसी आवाज़ है, कितनी शानदार और जानदार आवाज़ आप देख रहे हैं, कितनी शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की, आप देख सकते हैं बिल्कुल शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की। ये लेफ़्ट साइड में जो है हाई लो गियर है इसके अंदर दिया हुआ, जिसको आप हाई लो में चला सकते हैं। ये T20 जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि T20 गियर बॉक्स के अंदर ये ट्रैक्टर आता है,
तो ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये हाई लो का तो ये हो गया, और ये जो है ये इसको नॉर्मल भाषा में किसान भाई सांड गेयर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ट्रैक्टर हम पहले गेयर में चला रहे हैं, पहले गेयर में ट्रैक्टर हमारा दाब नहीं मान रहा, दूसरे गेयर में चला रहे हैं तो ट्रैक्टर थोड़ा दब रहा है, तो आप इसको लगा दो, तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये एक रहा और ना ये दो रहा, ये डेढ़ हो गया, जिससे हमारा ट्रैक्टर आसानी से बिल्कुल खुल के चलेगा, तेल कम खाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर, ये पीटीओ की क्लच है, ये जो आप देख रहे हैं पीटीओ की क्लच है, और पीटीओ का जो लीवर है वो यहाँ पे है, इसमें रिवर्सिबल पीटीओ 540 चक्कर की पीटीओ, ये दोनों इसके अंदर अवेलेबल हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हैं ये चार फॉरवर्ड एक रिवर्स, अगर हाई लो का मिला के बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। और ये आप देख रहे हैं इसमें ये ड्राफ्ट लीवर और ये पोजिशन कंट्रोल लीवर, ये दोनों की मदद से आप अपने इम्प्लीमेंट को खेत में को जुताई कर रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप आसानी से उसको बिजाई को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। ये लीवर मैंने आपको बता दिया था, लेज़र लेवलर में काम आता है। अब मैं थोड़ा सा इसको चला के दिखाऊँगा। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा ट्रैक्टर ये चल रहा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये ट्रैक्टर जो है आसानी से चल रहा है। तो सभी हमारे वीडियो देखने वाले भाइयों का दोबारा फिर नमस्कार, राम राम। कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकें। अगर आपको ये ट्रैक्टर ख़रीदना है तो आप गोहाना की महादेव एजेंसी में आके आप आगे मैनेजर से बात कर सकते हैं और ये ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना ट्रैक्टर है तो आप उसको भी कंपनी में ले जाके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ़र चलते रहते हैं तो वो मैनेजर साहब आपको ऑफ़र बता देंगे, आप अपने पुराने ट्रैक्टर के बदले नया ट्रैक्टर आप यहाँ से ले जा सकते हैं। तो धन्यवाद सभी हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों का, धन्यवाद।